नकल करते हुए बच्चे इन्होंने पकड़े। सर कुल कितने कैफे पर रेड की गई उसने? शनिवार को दो कैफे पर रेड हुई, एक कैफे था और एक लाइब्रेरी थी उस पर रेड की। कुल कितने बच्चे पकड़े गए? उसमें कुल 18 बच्चे थे जो परीक्षार्थी थे और उसके अलावा उनका सहयोग करने वाले भी 5-7 लोग थे साथ। तो सबसे ज्यादा लड़कियां हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे वो लड़कियां वीडियोस 18 की 18 लड़कियां ही थी, लड़का एक भी नहीं था जिसका पेपर था। एक लड़का एक लड़की का पेपर जोर दे रहा था वहाँ पे बैठकर। तो सर कुल कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन लगभग 20,000 बच्चा रजिस्टर्ड है ऑनलाइन के अंदर और टोटल 30,000 बच्चे हैं। तो यूएमसीएफ तक कितनों की बनी सर? ऑनलाइन के अंदर आज सुबह मेरे पास 12:30 बजे तक जो पेपर खत्म हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन में 6,328 बच्चों की यूएमसी बन चुकी है। तो सर जिस तरीके से बच्चे क्या क्या मेथड क्या क्या यूज करते हैं मतलब नकल करने के लिए ऑनलाइन? सर कुछ बच्चे तो जानबूझकर अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं, कुछ एक साथ में किताब रखकर पेपर कर रहे थे जैसा कि मैंने उस दिन लाइव पकड़ा लाइब्रेरी वगैरह में, और कुछ एक में क्या होता है कि सामने कैमरे के सामने बैठकर ये लिखने की एक्टिंग करते हैं और पीछे से कोई और पेपर कर रहा होता है, इसलिए हम लोगों को हैंडराइटिंग भी चेक करनी पड़ रही है। पीछे गाइडलाइंस दी गई थी पीछे शीशा लगाया जाए, बच्चों ने प्रदर्शन किया शीशा हटवा दिया, किस तरीके से देखते हैं बच्चों की? देखिए अगर शीशा लगा होता है ना तो आपकी दाएं बाएं की और पीछे की सारी एक्टिविटी नजर आती है तो उसमें नकल करने का 1% चांस रह जाता था कि वो भी बहुत बड़ा कलाकार हो तो वो कर जाएगा, अन्यथा हमारी तरफ से वो 100% प्रूफ था। परंतु इतने ज्यादा प्रदर्शन थे और बल्कि एक विद्यार्थी ने तो अपनी नस काटने की कोशिश की थी, तो तब विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहीं ना कहीं देखिए हम लोग टीचर्स होते हैं सिंपैथेटिक होते हैं तो ये निर्णय वापस लिया गया था। तो सर जो बच्चे पकड़े गए हैं उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया गया है? देखिए यूएमसी रजिस्टर हुई है, यूएमसी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो मिनिमम पनिशमेंट इसमें रहती है जो बच्चा नकल करके पड़ जाता है वो उस पेपर का कैंसिल होना रहता है, वहां से लेकर हो सकता है उनका इंटायर एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए या 3 साल तक उनको एग्जामिनेशन देने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो इसके ऊपर अभी फैसला होना। सर जब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम